हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में, वनों में, गुफाओं में रहते थे और 100-150 साल जीते थे। आप विचार करना कैसे जीते थे, वो नेचुरल हवा पानी को लेकर ही जीवन जीते थे। तो योगा दिवस हमारे ऋषि और मुनियों की औषधि है और योगा उनकी जनजात वसीयत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज हर आदमी को योगा करना चाहिए। पहले हमारी सारी प्रवृत्ति योगा में थी, झाड़ू लगाना तो योगा, पानी खींचना तो योगा, साइकिल चलाना तो योगा और स्विमिंग करना तो योगा, हर चीज़ योगा थी। लेकिन आजकल सब चीज़ें मशीन से हो गई, कपड़े धोना भी योगा था, लेकिन आज सब चीज़ें मशीनरी में युग में चले गए हम। इसलिए योग जरूर करना चाहिए जिस आदमी को स्वस्थ रहना है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, टेंशन से और मेडिसिन से दूर होना है तो मेडिटेशन में चले जाएं और योगा में चले जाएं, तो मेडिसिन और टेंशन हमेशा दूर रहेगी। हर चीज़ योग में है।